गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चौधरी कमला। इन योर सेवन स्टैंडर्ड मैथ्स सब्जेक्ट वी ऑलरेडी स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। इन दैट अवर प्रीवियस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इन दैट वी ऑलरेडी स्टार्टेड अवर एक्सरसाइज 5.1। नाउ इन दैट एक्सरसाइज 5.1 वी ऑलरेडी फिनिश्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 13। नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट इन अवर पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। इन दैट क्वेश्चन नंबर 14। Now question number 14, in that you have to given one of the figure. In the adjoining figure, name the following pairs of angles. इधर आपको एक figure दी है और वो figure का use करके आपको क्या देना है, name the following pairs of angle. Angle आपको इधर लिखने हैं। तो first है obtuse vertically opposite angles, means वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो होने चाहिए, बट कौन से ऑब्ट्यूस मीन्स 90 डिग्री से ग्रेटर होने चाहिए। देन आफ्टर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट हमने सीखा और कॉम्प्लीमेंट्री हमने सीखा, तो दोनों का यूज़ करना है, बाजू बाजू में भी होने चाहिए और दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री भी होना चाहिए। नाउ इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए मीन्स दोनों का एडिशन 180 डिग्री सप्लीमेंट्री है तो दोनों का एडिशन 180 डिग्री, बट वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मीन्स दोनों के दोनों 90-90 के होने चाहिए। नेक्स्ट है 4 नंबर, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स सप्लीमेंट्री भी होने चाहिए, दोनों का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए, बट वो इक्वल नहीं होने चाहिए। देन आफ्टर 5th नंबर, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल लिखना है बट वो दोनों क्या नहीं बनाते होने चाहिए, लीनियर पेयर नहीं बनाते होने चाहिए। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ दैट सेम फिगर जो आपको टेक्स्ट बुक में दी है। दिस वे वन क्रॉस इज देयर एंड ऑन एग्जैक्ट मिडल यू हैव टू गिवन दैट पॉइंट ई। दिस वन इज ओ, दिस वन इज डी, this one is C, this A and B। अगर फिगर देख के आपको पता चलेगा this one is 90 and this one is 90, क्योंकि एग्जैक्ट मिडल में आपको स्ट्रेट लाइन दी है तो उसको आप क्या बोलोगे, this both the angles are 90 degree, means right angles। Now in that फर्स्ट नंबर, फर्स्ट आपको क्या दिया था क्वेश्चन, ऑब्ट्यूस वर्टिकली एंगल्स। ऑब्ट्यूस वर्टिकली मींस दोनों 90 से बड़े भी होने चाहिए और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी होने चाहिए। तो अगर आप इधर देखोगे तो ये क्रॉस जो बनता है, ये क्रॉस के अंदर ऐसे कौन से एंगल है जो 90 डिग्री से आपको बड़े भी दिखते हैं, कौन सी ऐसी पेयर है जो 90 से भी बड़ी दिखती हो आपको और वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी होने चाहिए, तो ऐसी कौन सी आपको पेयर इधर मिलेगी, तो दैट वन इज यू कैन से हियर कि ए ओ डी एंड बी ओ सी, जो आपको दिखता है इधर के पूरा एंगल 90 से बड़ा है और ये एंगल भी 90 से बड़ा है। सो फर्स्ट नंबर में आपका आंसर आएगा एंगल ए ओ डी एंड उसके साथ पेयर में आएगा एंगल बी ओ सी। सेम वे सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर आपको दिया है इधर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री भी होने चाहिए और बाजू बाजू में भी होने चाहिए, तो वो कौन सा एंगल मिलेगा आपको इधर, सो यू कैन से हियर कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दोनों का एडिशन भी 90 डिग्री मिलना चाहिए और वो दोनों एंगल बाजू बाजू में भी होने चाहिए। तो देखो इसका पूरा एंगल का मेजर है 90 डिग्री, तो इसमें से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो वो कौन से दोनों एंगल है, तो एंगल ई ओ ए एंड एंगल ए ओ बी, ए ओ बी एंड ए ओ ई, या तो यू कैन से ई ओ ए ऑल्सो, ई ओ ए ऑल्सो। देन आफ्टर थर्ड नंबर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल भी होने चाहिए और सप्लीमेंट्री एंगल भी होने चाहिए, तो वो कौन से मिलेंगे, तो ई ओ बी एंड ई ओ डी, दोनों 90-90 है और दोनों क्या है, एक ही लाइन पे है, तो एंगल ई ओ बी एंड एंगल ई ओ डी, ये दोनों क्या है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। देन आफ्टर फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में आपको क्या दिया है इधर
अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन से मिलेंगे, तो इक्वल भी नहीं होने चाहिए और सप्लीमेंट्री भी एंगल होने चाहिए, तो वो वाले एंगल मिलेंगे आपको इधर, तो एंगल ई ओ ए एंड ई ओ सी, तो सॉरी एंगल ई ओ ए एंड उसके साथ पेयर में एंगल आएगा ई ओ सी, ये दोनों का अगर आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 180 डिग्री, बट दोनों क्या है सेम नहीं है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट आपको दिया है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल होने चाहिए बट वो लीनियर पेयर नहीं बनाते चाहिए, तो वो वाले एंगल्स कौन से मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे ए ओ बी एंड ए ओ ई, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई जो बाजू बाजू में है बट वो क्या नहीं बनाते, लीनियर पेयर नहीं बनाते। नेक्स्ट दूसरा आप क्या बोल सकते हो इधर, तो ऐसे दूसरी पेयर कौन सी मिलेगी, तो ए ओ ई एंड ई ओ डी, ये दोनों भी क्या है एडजेसेंट एंगल है, तो एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ डी, नेक्स्ट है ई ओ डी और उसकी बाजू में कौन है सी डी ओ सी और यू कैन से सी ओ डी, तो एंगल ई ओ डी एंड एंगल डी ओ सी। अभी अगर आप आगे देखने के लिए जाओगे डी ओ सी एंड सी ओ बी, बट वहाँ पे क्या बन जाएंगे दोनों सप्लीमेंट्री मीन्स लीनियर पेयर बन जाएगी, सो इतने एंगल आपको मिलेंगे जो क्या है इधर एडजेसेंट एंगल है बट वो लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। सो नाउ नेक्स्ट अभी हमें लर्न करना है एक्सरसाइज 5.2, बट बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव टू लर्न अबाउट सम ऑफ द एंगल्स। सो एंगल मेड बाई ए ट्रांसवर्सल, सो ट्रांसवर्सल का मीनिंग क्या है, तो इधर आपको देखो फिगर 5.24, इसमें लाइन एल एंड एम, जो लाइन एल है एंड एम है दोनों का कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है पी, दोनों के बीच में जो एक ही लाइन जो दोनों को कट करती है कोई एक एक पॉइंट पे, तो उसको आप क्या बोलोगे ट्रांसवर्सल, तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन एल है सॉरी लाइन पी है जो एल एंड एम को क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, तो उसको आप बोलोगे ट्रांसवर्सल। तो उसके थ्रू आपको कौन से एंगल मिल सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सो इंटीरियर एंगल आपको कौन से मिलते हैं इधर, सो इंटीरियर एंगल है तो एंगल 3, 4, 5 एंड 6 ये इंटीरियर है जो अंदर की साइड है, एक्सटीरियर कौन से होंगे, तो 1, 2 एंड 7, 8 ये एक्सटीरियर है। नाउ पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल का मीनिंग क्या होगा इधर, तो जो इधर एंगल 1 है वही इधर देखो एंगल 5, दोनों लाइन में के एक एक एंगल आपको लेते जाना है 1 एंड 5, 2 एंड 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8, इसको आप क्या बोलोगे पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर मीन्स अंदर के साइड होने चाहिए बट एक इस साइड का तो एक ऑपोजिट साइड का, तो इधर 3 तो उसके ऑपोजिट इधर 6 बट वो दोनों इंटीरियर, तो अल्टरनेट इंटीरियर, तो इधर 5 एंड इधर 4। वैसे ही नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मीन्स बाहर के साइड का, तो इधर का 1 लेते हैं तो ऑपोजिट साइड 8, इधर 2 तो इधर 7। नेक्स्ट है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड और इंटीरियर एंगल भी होने चाहिए, तो वो कौन से है, तो 3 एंड 5 एंड इधर नेक्स्ट आपको पेयर मिलेगी एंगल 4 एंड एंगल 6। नाउ इसके बाद अगर आप एक आपको जो नोट दिए कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, अगर कोई आपको दो ऐसे पैरेलल लाइन दिए और वो एक ट्रांसवर्सल में से मीन्स कट उसको करती है दोनों पैरेलल लाइन को, तो ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, तो दोनों पैरेलल लाइन है उसको अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो वो दोनों लाइन जहाँ पे मीन्स जितने भी आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल मिलते हैं वो सबका मेजर क्या होगा इक्वल होगा। वैसे ही नेक्स्ट आपको जितने भी इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिलेंगे वो भी इक्वल मिलेंगे। If two parallel lines cut by a transversal, then each pair of interior angle on the same side of transversal are supplementary. जो same side of transversal जो interior angle आपको मिलता है उसका तो sum आपको क्या मिलेगा
180 डिग्री, मीन्स वो दोनों एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, नाउ इससे ऑपोजिट कि अगर कोई ट्रांसवर्सल कोई दो लाइन को कट करती है और वहाँ पे आपको इंटीरियर एंगल अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री मिलते हैं तो आप क्या बोलोगे कि वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इसके वाइस वर्सा आप यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट ईयर वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2, जिसमें आपको ये प्रॉपर्टी थोड़ी डीप में समझ में आएगा, मीन्स थोड़ा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा इधर। तो एक्सरसाइज 5.2, इट्स क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको इधर क्या दिया है कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्सरसाइज 5.2, इट्स क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिवन दिस बोथ लाइन ए एंड बी, बोथ आर पैरेलल। देन आफ्टर रिमेनिंग टू लाइन यू हैव टू गिवन दिस बोथ लाइन्स नेम, यू हैव टू गिवन ए एंड बी। नेक्स्ट जो आपको ऐसी दो लाइन दी है जो पैरेलल नहीं है, नाउ हियर एंगल्स यू हैव टू गिवन सम ऑफ दी, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। सेम हियर दिस वन इज 5, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7 एंड दिस वन इज 8। दिस वे सॉरी 7 इधर एंड 8 इधर आपको दिया है। नाउ योर इन योर क्वेश्चन यू हैव टू गिवन, क्वेश्चन में आपको इधर क्या दिया है कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको जो स्टेटमेंट दिए है 1 by 1, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है वो आपको इधर लिखना है। तो इफ ए पैरेलल बी, ए पैरेलल बी, ए से क्या है, बी पैरेलल है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अगर ए पैरेलल बी है तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है इधर, तो आपको पता है ऑलरेडी 1 एंड 5 दोनों अगर सेम है तो वहाँ पे आप कौन सी प्रॉपर्टी बोल सकते हो, करेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, सेकेंड में आपको दिया है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, देन ए पैरेलल बी, 4 इज इक्वल टू 6, तो ए पैरेलल बी। तो ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल तो है बट कौन से इंटीरियर, तो अल्टरनेट। तो आप इधर क्या बोलोगे, लिखोगे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। देन आफ्टर थर्ड नंबर, थर्ड नंबर इन दैट यू हैव टू गिवन एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए पैरेलल बी। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, 180 डिग्री। तो अगर वो दोनों का प्लस करोगे 180 डिग्री मिलता है, तो आपको क्या कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज इधर करते हो, तभी आपको क्या दिया है, ए पैरेलल बी। तो ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल बट ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और वो दोनों का प्लस करते हो तो आपको 180 मीन्स क्या मिलता है, सप्लीमेंट्री मिलता है। तो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आप लिखोगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। नाउ हियर योर क्वेश्चन नंबर 1 इज फिनिश्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, आपको एक फिगर दिए, क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू सॉल्व इन अवर नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 2, सो क्वेश्चन नंबर 2 इन दैट यू हैव टू गिवन लाइन ए
एंड लाइन बी इन दैट वन ऑफ दिस वे ट्रांसवर्सल लाइन हियर दिस वन इज सी दिस वन इज ए दिस वन इज बी दिस वन इज वन दिस वन इज टू दिस वन इज थ्री एंड दिस वन इज फोर सो फर्स्ट दिस वे यू हैव टू गिवन फिगर एंड इन द एडजोइनिंग फिगर आइडेंटिफाई फर्स्ट आपको दिया है द पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल तो करेस्पॉन्डिंग एंगल आपको फुल फॉर्म इधर लिखना है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर आपको कौन सी मिलेगी सो हियर यू कैन से कि एंगल वन एंड फाइव टू एंड सिक्स थ्री एंड सेवन फोर एंड एट तो दिस वे यू हैव टू राइट डाउन कि एंगल वन एंड उसके साथ है पेयर में एंगल फाइव वैसे ही नेक्स्ट पेयर आपको मिलेगी एंगल टू उसके साथ एंगल सिक्स नेक्स्ट एंगल थ्री और उसके साथ आपको पेयर में मिलेगी एंगल सेवन एंड लास्ट वन एंगल फोर एंड एंगल एट ऐसे आपको फोर पेयर मिलेगी करस्पॉन्डिंग एंगल की सेकेंड नंबर है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको कौन से मिलेंगे तो इधर थ्री एंड फाइव टू एंड एट सो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो वो आपको कौन से मिलते हैं तो एंगल टू एंड एंगल एट नेक्स्ट पेयर एंगल थ्री एंड एंगल फाइव ऐसे आपको दो पेयर मिलेगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की नेक्स्ट है थर्ड नंबर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के सेम साइड वो दोनों कौन से पेयर आपको मिलती है बट इंटीरियर सो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल तो इंटीरियर एंगल बट कहाँ पे आपको लेने हैं तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो एंगल टू एंड एंगल फाइव नेक्स्ट पेयर मिलेगी एंगल थ्री एंड एंगल एट फोर्थ नंबर है द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको कौन से इधर मिलेंगे तो वन वन के साथ इधर आप देखोगे तो थ्री टू के साथ फोर वैसे फाइव के साथ सेवन एंड सिक्स के साथ एट तो वन के साथ आपको कौन सी मिलेगी तो वन एंड थ्री वैसे ही एंगल टू एंड टू के साथ ऑपोजिट में होगा एंगल फोर नेक्स्ट है एंगल फोर के बाद आपको कौन सा इधर आएगा फाइव एंड सेवन एंड सिक्स एंड एट तो एंगल फाइव एंड एंगल सेवन नेक्स्ट है एंगल सिक्स एंड एंगल एट तो ऐसे आपको फोर पेयर मिलेगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की हियर योर क्वेश्चन नंबर टू इज फिनिश्ड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.2 वी हैव टू सॉल्व इन अवर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू